लाइफ की सबसे बड़ी गलती मेरी है भैया कि मैं यूट्यूब में वीडियो बना लेनी यूट्यूब करियर चुन लिया भैया। सबसे बड़ी तुम मैं कहना चाहूंगा और सबको कहना चाहूंगा भैया, यूट्यूब की लाइफ चुन के सबसे बड़ी गलती करोगे तुम लोग। आज सच में भैया बोलने का मन इच्छा तक नहीं हो रही बोलने की, कुछ बोलूं लेकिन बताना चाहता हूं तुम लोग को भैया। बहुत लोग खुश हो जाएंगे, बहुत लोग बचा रहे थे भैया मैं तो चैनल छोड़ दूं, डिलीट कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, मैं यूट्यूब पे चला जाऊं। हो गई तुम्हारी मनोकामना पूरी भैया, हो गई तुम्हारी मनोकामना पूरी भैया। ऐसी ऐसी मतलब लोग मतलब अब जब बहुत ही जल्दी क्या अगले वीडियो शायद मैं दिखूँ भी ना, दिखूँ भी तो अपने वीडियो में दो दो चार जगह ही दिखूंगा, दिन तो कोई और ही दिखेगा भैया मेरे चैनल में। भैया ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही क्या बताएं। पहले प्रॉब्लम हुई जब मोनेटाइजेशन भेजा तब दिक्कत हुई, अब तो येलो डॉलर की दिक्कत चली रही थी, घर वालों की दिक्कत चली रही थी, एक और दिक्कत आ गई लाइफ मतलब यूट्यूब लाइफ चुन के ऐसा लग रहा है यूट्यूब नहीं यूट्यूबर नहीं बनना चाह रहा हूँ, एकदम वो गैंगस्टर बनना चाह रहा हूँ। इससे तो मेरा साथ हाल हो रहा है, इतने ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल में धमकियाँ आ चुकी हैं ना कि भैया अब तो मैं उनको लेता भी नहीं हूँ सीरियस ज़्यादा, लेकिन भैया कभी कभी ऐसी ऐसी धमकियाँ आ रही हैं और अब तो इतना ज़्यादा हो चुका है कि भैया मेरे को छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ूंगा तो साले ये लोग घर में घुस के पेल के जाएंगे मेरे को, ऐसा हाल हो चुका है मेरा और मेरे यूट्यूब चैनल का भैया। तो देखो मैं रोऊंगा क्या, क्या चैनल छोड़ूंगा तो रोऊंगा क्यों, छोड़ रहा हूँ तो रोऊंगा क्यों भैया, रोने कोई फायदा नहीं क्योंकि मैं हूँ छोटा क्रिएटर छोटा यूट्यूबर, कौन हेल्प करने को आएगा, नहीं कोई फायदा नहीं है रो चार आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं भैया। मैं तो चला भैया, मेरा ना वीडियो तुम देख पाओगे तो अगर आऊंगा भी मेरे चैनल में वीडियो आता रहेगा वो उसकी टेंशन तुम लोग मत रहो, चैनल वीडियो लाएंगे लेकिन मैं नहीं लाऊंगा, भाई साहब एक और दूसरे भाई साहब हैं जो भैया मेरे को ऐसे ऐसे मतलब मेरा पर्सनल नंबर पर मेरे को मैसेज करके भैया ऐसी ऐसी धमकियाँ दे दी, अब तो भैया चैनल भी बोले रहे, हमने भी कह दिया भैया ले लो तुम मेरा चैनल चला लो, तुम ही चला लो, तुम ही आ जाओ बना लो आके वीडियो भैया, तुम ही कर लो सब कुछ भैया चैनल में, मैं छोड़ देता हूँ वैसे भी कोई फायदा नहीं, तुम लोग साले पसंद कर नहीं रहे हो, कोई मतलब ही नहीं बन रहा है कि अब। मैंने भी कह दिया भैया ठीक है इतनी धमकियों से मैं परेशान हूँ, अब पर्सनल नंबर भी बटने लगे तो भैया जाओ देव, अब मैं क्या मेरे को तो कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा, पहले तुम लोग ये देख लो मैसेज देख लो पर्सनल में क्या बढ़िया बढ़िया मैसेज भाई साहब ने किए कि मतलब दे दे इनको नहीं तो ये मेरी ले लेंगे। ठीक है भैया हम भी थक गए, अब हमसे भी नहीं हो रहा है, बहुत मेहनत कर ली, व्यूज़ तो वैसे भी नहीं तुम लोग दे रहे हो, मेहनत इतनी कर ली क्या मिला, सब्सक्राइबर भी मिले ज़्यादा नहीं मिले, मतलब अब तो बिल्कुल चैनल भी डाउन ही होता जा रहा है, मतलब कुछ समझे नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने भी कह दिया भैया इन लोगों को कोई और ही को देखना लगता है, मेरे को देखना ही नहीं, तो मैंने उनको चैनल दे दिया, अब भैया वही आएंगे वही वीडियो डालेंगे, डालना होगा तो भैया अब तो मेरे चैनल में उन्हीं के वीडियो देखोगे जो आने वाले, पता नहीं हिंदुस्तानी कुछ करके हैं मैं नहीं जानता भैया, उनको मैंने चैनल दे दिया अब वही चलाएंगे चैनल को, जो करना होगा वो करेंगे, मैंने इस चैनल से एक्सेस अपना हटा लिया है, अब तुम लोग भी बहुत खुश होंगे, बहुत लोग जो हेटर्स बन चुके हैं बट मैं किसी को हेट नहीं करता हूँ लेकिन लोगों को लगता है कि मैं उनको हेट करता हूँ, तो वो लोग बहुत खुश होंगे मेरा चैनल जा रहा है, मैं तो दिखाई नहीं दूंगा लेकिन ठीक है भैया खुश हो जितना होना है हो लो तुम भी, और लोग सोचेंगे इसके तो मुस्कुराहट आ रही है अपना चैनल छोड़ने के बाद, क्या करूँ मुस्कुराऊ नहीं तो क्या करूँ भाई साहब क्या करूँ, रोने का कोई मतलब नहीं है, कोई मेरी न्यूज़ कवर नहीं कर लेगा, हाँ मेरे को पता है कोई न्यूज़ नहीं कवर करेगा, ये यूट्यूब है भैया यहाँ पर सब कुछ चलता है, लेकिन छोटा मतलब छोटे की तो कहीं इज्जत होती, चाहे कहीं भी ले लो भैया यूट्यूब ले लो चाहे रियल लाइफ ले लो सब में वही हाल है, तो मैं छोड़ दिया भैया, देखो अब तुम लोग एंजॉय करो, जिनके वीडियो आएंगे उनके एंजॉय करो, इसी चैनल में आएंगे जिन टेंशन मतलब दूसरा चैनल इसी चैनल में वो डालेंगे, दे दिया उनको एक्सेस, अब तुम लोग सोचो कि बेच दिया कि चैनल को, नहीं बेचा नहीं है भैया हमने दे दिया अपने ही मन से दे दिया कि भैया तुम ही चला लो बस खत्म मंडी मेरी। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा यूट्यूब लाइव बहुत प्रॉब्लम वाली है ना चुनो, लेकिन तुम लोग चुन सकते हो भैया, लोग तो एक एक दिन में उड़ गए यूट्यूब से, लेकिन कहते हैं ना अपनी बात कर रहा हूँ कि भैया हर किसी को हर कुछ नहीं मिल सकता, तो वैसे ही शायद मेरी ज़िंदगी भी है, मेरे को नहीं मिल रहा होगा लेकिन अब चलो अब बोलने लायक कुछ बचा नहीं है मेरे को, मैं क्या बोलूँ मैं ख़त्म है मंडी मेरी। लास्ट ओवर इतना ही कहना चाहता हूँ भाई, मैंने कभी भी यूट्यूब में वीडियो बनाया तो मैंने हेट किसी को नहीं किया है, ठीक है तो वो प्रॉब्लम मत करना किसी को हेट करता हूँ, बहुत लोग बीटीएस करते कि मैं बीटीएस को हेट करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है सीरियसली बता रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वीडियोज़ के लिए होता है, रियल लाइफ में ना मैं बीटीएस को हेट करता हूँ ना बीटीएस आर्मी वालों को हेट करता हूँ, ना ही नॉर्मल भी कोई भी जो अपने ऊपर ले ले जिनके ऊपर रोस्ट कर देता हूँ उनको हेट करता हूँ, पर्सनली मैं किसी को हेट नहीं करता हूँ, सीरियस बता रहा हूँ सीरियस बात कर रहा हूँ, बिल्कुल पर्सनली किसी को हेट नहीं करता हूँ, सब अपनी जगह बेस्ट है और सब कोई बेस्ट है, सब कोई जो कमेंट हेट करता भी है वो भी बेस्ट है अपनी जगह,
सब बेस्ट है। और एक बात कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब को ना भैया सुधर जाना चाहिए, जो छोटे क्रिएटर उनमें भी ध्यान देना चाहिए। भैया आधे को तो छोड़ के इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, साल साल भर, डेढ़ डेढ़ साल मेहनत की है, मैंने दो दो साल मेहनत की, लेकिन फिर भी वो जो अचीवमेंट मिलना चाहिए वो मिला नहीं। मतलब पहले तो समझ सकता हूँ कि मेरी वीडियो क्वालिटी ख़राब थी, लेकिन फिर उसके बाद तो सब कुछ सही हुआ, लेकिन वो मिला नहीं, ग्रो मिली नहीं, और हेट तो इतना मिल गया कि पूछो नहीं भाई। तो जो भी है सही है, किस्मत से ज़्यादा वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिला, तो जो भी है सही है। वैसे बस तुम लोग को यही लास्ट बार कहना चाहता हूँ, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखना और वीडियोस देखते रहना, वीडियोस चैनल में आते रहेंगे, नाम रोज डिगर कर रहेगा, हमेशा रहेगा, लेकिन वही कहना चाहता हूँ, शायद मैं ना दिखूँ तो फिर ठीक है। लव यू ऑल एंड बाय बाय।